हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को जो हम लोग की, देखिए मैं दिखा देती हूँ लास्ट स्लाइड आपको। देखिए लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने जो डिवीजन था पाइसेस, जिसमें फिशेज आ जाती हैं, इस पाइसेस में भी आपकी दो क्लासेस थी सुपर क्लासेस, वही हम लोग डिस्कस करने वाले थे, जिसमें से फर्स्ट क्लास है कॉन्ड्रियोसाइट्स। द फर्स्ट क्लास ऑफ पाइसेस इज कॉन्ड्रियोसाइट, और जो सेकेंड क्लास होती है वो होती है टेट्रापॉड। नाम बता देती हूँ मैं, टेट्रापॉड। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले जो उसकी फर्स्ट सुपर क्लास है कॉन्ड्रियोसाइट, ये डिस्कस करते हैं। द मीनिंग ऑफ कॉन्ड्रॉन इज कार्टिलेज, द मीनिंग ऑफ कॉन्ड्रॉन इज कार्टिलेज एंड द मीनिंग ऑफ आइसिथिस इज फिशेस। यानी कि इस क्लास में सारी वो फिशेज आ जाती हैं जो कि आपकी कार्टिलेज उनके अंदर प्रेजेंट होता है। बोन किससे बना होगा इनका ज्यादातर? कार्टिलेज बोन प्रेजेंट होगा, जैसे डॉग फिश हुआ, सॉ फिश, इलेक्ट्रिक रे, कॉमन स्केट, हैमर हेडेड शार्क, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, रोहू, कैटला, मैगूर, फाइटिंग फिश एंड द एंजल फिश। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ड्रो साइड। ये सब वो एग्जाम्पल्स हैं उन फिशेस के जिनके अंदर एंडोस्केलेटन किसका होता है? कार्टिलेज का। ऑस्टियोसाइट्स इंक्लूड फिशेस इन विच बॉडी एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट एंड द हैंड्स कॉल्ड एज बोनी फिशेस। इस कैटेगरी में, इस क्लास में सारी वो फिशेस इंक्लूड होती हैं जिनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, यानी कि बोन्स का बना हुआ है। इसीलिए इन फिशेस को हम लोग बोनी फिशेस भी कहते हैं। एक्वेटिक होती हैं, प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। फ्रेश और मरीन वाटर दोनों वाटर्स में मिल सकती हैं। एक्सोस्केलेटन, इनकी बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन होता है आउट ऑफ द कैविटी, साइक्लॉइड और स्टेनॉइड स्केल्स की फॉर्म में होता है। साइक्लॉइड का मतलब है सर्कुलर शेप, ऑस्टेनॉइड स्केल्स का मतलब है, मैं बता देती हूँ। जैसे सपोज करते हैं ये कोई फिश है, जैसे कोई फिश है और फिश के ऊपर जो यहाँ पे इसके स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे साइक्लॉइड, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, ये होते हैं साइक्लॉइड स्टेनॉइड स्केल्स। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल इन पोजिशन। जो माउथ होता है इसके फ्रंट साइड पे एक ही साइड में प्रेजेंट होगा, बीच में नहीं, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। टेल फिन इज फॉर्मड बाय टू इक्वल लोब्स, होमोसेरियल एंड सिमेट्रिकल। जो टेल फिन होती है, एज यू कैन सी, ये जो आपको टेल फिन दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी, ये इसके टू इक्वल लोब्स में डिवाइडेड होती है। लोब्स का मतलब होता है पार्टीशन। द मीनिंग ऑफ लोब इज पार्टीशन। एज यू कैन सी इसकी जो फिन है, टेल फिन, अगर हम इसको मिड सेंटर से डिवाइड करें तो हाफ पार्ट उसका लेफ्ट साइड में चला जाएगा और हाफ पार्ट इसका राइट साइड में चला जाएगा। इसको बोलते हैं होमोसिरल, इट इज कॉल्ड होमोसिरल या फिर सिमेट्रिकल। फोर पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट कवर्ड विद ऑब्रिकुलम। दिस वन, यहाँ पे इसके गिल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन गिल्स में जो स्लिट्स के पेयर होंगे वो फोर पेयर होंगे, यानी कि होल्स कितने प्रेजेंट रहेंगे? एट होल्स प्रेजेंट रहेंगे। फोर पेयर है तो पेयर मतलब डबल हो गया उसका। और इसके ऊपर, इन गिल्स के ऊपर जो ऑप्रिकल की लेयर है वो प्रेजेंट होगी उनकी कवरिंग के लिए। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट टू मेंटेन बुयोंसी। इसके अलावा इनकी बॉडी पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होंगे इनकी बुयोंसी। बुयोंसी का मतलब है पानी में फ्लोट करने के लिए। क्लैस्पोर्स आर एब्सेंट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड दीज फिशेस आर ओविपेरस। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम देख सकते हैं, कैटला का डायग्राम दिखाया गया यहाँ पे। एज यू कैन सी दिस वन इज आई, ये इसका माउथ है। यहाँ पे इसके फिन्स प्रेजेंट है जिसके ऊपर ऑब्रिकुलम की लेयर है। ये इसका डॉर्सल फिन है, बैक साइड में जो फिन होता है। ये इसका वेंट्रल, यानी कि इसके जो फ्रंट साइड में फिन होता है। एंड जो इसके गिल्स स्लिट्स के पास जो फिन होता है उसे होते हैं पेट्रल फिन। और लास्ट में एक पेल्विक फिन होता है, और लास्ट में इसकी टेल प्रेजेंट होती है। हाँ, एक सेकेंड, लास्ट में इसकी टेल प्रेजेंट रहती है, इसको बोलते हैं फॉर्म्ड टेल। इट इज कॉल्ड
फॉर्क्ड टेल। एंड यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, क्लैस्पर्स। क्लैस्पर्स का मतलब है यहाँ पे जो इसका कॉपुलेशन वाला पार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो इसमें एब्सेंट होगा। कॉपुलेशन आप लोग समझते ही हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए वो इसमें नहीं होता, बाकी की ओविपेरस होती है। नेक्स्ट क्लास आती है यहाँ पर, सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, दीज एनिमल्स बियर्स टू पेयर्स ऑफ अपेंडिसेस। मैंने अपेंडिसेस का मीनिंग बताया था, लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, राइट, डेवलप्ड लेग्स नहीं, जॉइंटेड लेग्स है। तो टेट्रापॉड हमारी ज्यादातर इसमें वो एनिमल्स आ जाते हैं जिनके जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स आर सेकेंडरीली लिम्बलेस। कुछ सुपर क्लास टेट्रापोडा में कुछ ऐसे एनिमल्स भी आ जाएंगे जो लिम्बलेस होते हैं, यानी कि उसमें कोई भी हैंड्स या लेग्स नहीं होते, स्टिल वो हमारी सुपर क्लास टेट्रापोड में इंक्लूड होते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोड हमारी फोर क्लासेस में डिवाइडेड है। देखिए, टेट्रा का मतलब होता है फोर, राइट, तो इसको ना यहीं से याद कर लो कि टेट्रापॉड में फर्दर डिवीजन है, तो फर्दर डिवीजन में यहाँ पर फोर क्लासेस में डिवाइड होगा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड मैमिलिया। यहाँ पे फोर क्लासेस होती हैं। एक और क्लासेस है आपकी एवीज वाली, यहाँ लिखी नहीं है, एवीज वाली भी इसी में आती है। एम्फीबियंस जो आपके वाटर के साथ साथ लैंड पर भी रह सकते हैं, रेप्टाइल्स जो रेंगती हैं, मैमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और एवीज जो कि बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं वो हमारी कौन सी क्लास में आती हैं, एवीज क्लास में आती हैं। यहाँ थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग अपने नोट्स में ज्वाइन कर लेना एवीज। ओके, फोर क्लासेस हो गई टेट्रापॉड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एम्फीबिया। द मीनिंग ऑफ एम्फीबिया इज बोथ, द मीनिंग ऑफ एम्फी बोथ, बाय इसका मतलब लाइफ, बोथ लाइफ, ऐसे एनिमल्स जो हमारे वाटर के साथ साथ टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर भी रह सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारी एम्फीबिया कैटेगरी में या क्लास में। फ्रॉग है, टोड है, सैलमेंडर है, लिम्बलेस एम्फीबियन एंड ट्री फ्रॉग, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया इंक्लूड द एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वॉटर, राइट, दे आर पोक्लियोथर्मिक एनिमल्स। पोक्लियोथर्मिक कि दोनों जगह रह सकते हैं, यानी उनके पास गिल्स भी प्रेजेंट है अपने आप को एक्वेटिक में रेस्पिरेशन करने के लिए, और जब वो सरफेस पर आते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड पर आते हैं, तो उनके पास लंग्स होते हैं या फिर स्किन होती है जिससे वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इनकी बॉडी हेड और ट्रंक वाले पार्ट में डिफरेंशिएटेड होती है, हेड अलग होता है, ट्रंक अलग होती है। नेक एंड टेल इज यूजुअली एब्सेंट इन मैनी एडल्ट्स विद फ्यू एक्सेप्शन। नेक यानी कि जो नेक होगा एंड जो टेल होती है नहीं प्रेजेंट होती, एब्सेंट होती है एडल्ट्स में, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ एनिमल्स होंगे जो कहीं ना कहीं उनमें नेक और टेल प्रेजेंट होगी। टू पेयर्स ऑफ लिम्स अराइज फ्रॉम पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल्स रिस्पेक्टिवली। इनके टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, यानी कि दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, राइट, मतलब लिम्स हैं तो हाथ की बात करेंगे, फोर हो गए एक तरीके से, जो कि आपके पेक्टोरल और पेल्विक गिडल्स, आपके जॉइंट्स होते हैं पेक्टोरल और पेल्विक गिडल्स, ध्यान रखना, दीज आर द जॉइंट्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल्स, यहाँ से इस तरीके से उनके अराइज होते हैं। दिस वन इज पेल्विक, और जो उसका वेस्ट वाला पार्ट होता है वहां पर जो जॉइंट होता है वो होता है हमारा पेक्टोरल। तो यहाँ से उनकी बॉडी से जो लिम्स हैं अराइज होते हैं, और ये लिम्स उनको लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट करने में हेल्प करती है। स्किन इज मॉइस्ट ग्लैंडुलर विद म्यूकस ग्लैंड्स एंड एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है और इनकी स्किन के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि म्यूकस को रिलीज करती है, और म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट
स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है। एग्जोस्केलेटन एब्सेंट होता है, इसमें कोई एग्जोस्केलेटन नहीं है। आईलिड्स प्रेजेंट होती है, आईलिड्स तो समझते हैं। टैम्पेनस रिप्रेजेंट द ईयर। अब देखिए टैम्पेनम क्या होता है, जैसे हम लोगों का ईयर है बड़े ही क्लियरली दिख रहा है, बाहर की साइड कार्टिलेज भी निकला हुआ है राइट, उनके में ऐसा कुछ नहीं होता। टैम्पेनम एक टाइप की लेयर होती है, हमारे में भी प्रेजेंट है। टैम्पेनम लेयर हमारे में प्रेजेंट है। ये लेयर क्या है, जब हमारा इंटरनल ईयर होता है ना, तीन पार्ट, दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर एंड इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में ये टैम्पेनम लेयर होती है। जब हमारे कोई भी साउंड हमारे अंदर कान में जाती है तो सबसे पहले इस टैम्पनर लेयर से क्रॉस होके जाती है, जिसकी वजह से इस लेयर में हो जाती है वाइब्रेशन। और जब ये वाइब्रेशन होती है तब हमें लगता है कि हाँ हम मतलब तो कोई कुछ बोल रहा है, ये काम होता है। तो हमारे तो इंटरनल ईयर में प्रेजेंट रहती है, लेकिन इनके कोई ईयर अलग से तो दिखाई नहीं देते, बस सिंपल जो लेयर है इनकी बॉडी से ऐसे अटैच रहती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, डाइजेस्टिव वेस्ट एंड गैमीट्स आर रिलीज थ्रू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, डाइजेस्टिव वेस्ट या जो गैमीट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनके सिर्फ एक कॉमन चैम्बर से रिलीज होते हैं, उस चैम्बर का नाम है क्लोका। जैसे हमारे किडनी से है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टोमक से है, लार्ज इंटेस्टाइन से है, गैमीट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होते हैं। अलग अलग है ना, इसमें कुछ अलग नहीं होता, सिंपल एक ही चैम्बर होता है, इट इज कॉल्ड क्लोका। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स होती है। हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड एंड वेंट्रल इन पोजिशन। हार्ट थ्री चैम्बर्ड का होता है, वेंट्रल यानी कि फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स आर बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। रेड ब्लड सेल्स बाइकॉन्वेक्स होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे पूछते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड सेल्स न्यूक्लियस प्लस बाइकॉन्वेक्स होते हैं, एम्फीबियंस में। रेस्पिरेशन इज बाय स्किन। रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू, या फिर जो ब्यूकोफेरिंक्स होता है उसके थ्रू होती है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। दीज आर ओविपेरस यानी कि बीबीज को बर्थ करते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, दोनों मेल और फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव सेल्स को वाटर में रिलीज करते हैं, और वाटर में रिलीज करने के बाद कंबाइन हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाता है, बेबी प्रोड्यूस होते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू एक्वेटिक लार्वा स्टेज। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको लास्ट में प्रॉब्लम हो रही हो, बेटा ये लिखा हुआ है एक्वेटिक लार्वा स्टेज, लास्ट लाइन लिखी हुई है, तीन वर्ड्स, एक्वेटिक लार्वा स्टेज। कहा गया है कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जाहिर सी बात है इनडायरेक्ट ही होगा। फ्रॉग इसमें एम्फीबियंस में आता है, तो फ्रॉग जब प्रोड्यूस करता है अपने बेबीज को, तो कभी भी फ्रॉग नहीं प्रोड्यूस होता बल्कि टैडपोल आता है अपनी, आता है कि नहीं आता, फिर वो डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करके आपके फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि जो उसकी स्टेज है लार्वा स्टेज कही जाएगी, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्लास आती है रेप्टेलिया। देखिए एम्फीबियंस में आपका फ्रॉग, टोड, सेलमेंडर आपको दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। क्लियर, ये जल्दी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये वो एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनके जिनको हमने देखा है राइट, इसलिए जल्दी समझ में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है क्लास रेप्टेलिया। रेप्ट का मतलब होता है टू क्रीप और टू क्रॉल। रेप्ट का ही, रेपियर का ही मतलब हो जाएगा क्रीप करना, क्रॉल करना, रेंगना, इन्हें बोलते हैं रेंगना। जैसे कोबरा, वॉल लिजार्ड, टर्टल, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, ट्री लिजार्ड, क्रेट, वाइपर, क्रेट इज अ स्नेक, एंड वाइपर, ये सब क्या है, रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं जमीन पर, इसीलिए कौन सी कैटेगरी में आएंगे, रेप्टिलिया कैटेगरी में। फीचर्स देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। रेप्टिलिया इंक्लूड्स क्रॉलिंग एनिमल्स। रेप्टिलिया जो कैटेगरी है इसमें क्रॉलिंग एनिमल्स आते हैं, यानी कि रेंगने वाले। दीज आर द फर्स्ट टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। जैसे प्लांट्स में था ना कि प्लांट्स में हमारे टेरिडोफाइट से जो पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल प्लांट थे राइट, इसके अलावा जो आपके थैलोफाइट आते या ब्रायोफाइट आते, वो थोड़ा सा पानी चाहिए था उनको, बिना पानी के वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स थे, जो फाइलम था, वो पहले आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स माने गए थे। सेम एज इट इज यहाँ पर, रेप्टाइल्स को हम लोग टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स मानते हैं।
ट्रूली, अगर इनको पानी ना भी मिले ना, दैट दे विल सरवाइव। फ्यू मे बी एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक एंड ऑल्सो फाउंड इन मार्शी एरिया। कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ सेमी एक्वेटिक होते हैं और कुछ मार्शी एरिया में फाउंड आउट होते हैं। लोकोमोशन लिम्स के थ्रू होता है। एज यू कैन सी लिम्स इनके प्रेजेंट है। ये यहाँ पे देखिए क्रोकोडाइल के लिम्स है, ये टॉर्टोइस के लिम्स है, ये लिजार्ड के लिम्स है। द लिम्स आर पेंटाडाइसिल डिजिट्स बियर क्लॉज। पेंटाडाइसिल का मतलब है पांच उंगलियां, पेंटा मतलब पांच, मैथ्स में पढ़ते हैं, यानी कि इनके जो लिम्स प्रेजेंट है उसमें कितनी उंगलियां होंगी, पांच उंगलियां होंगी, लेकिन क्रॉस की फॉर्म में। क्रॉस का मतलब पंजा होता है, एक दूसरे से जुड़ी होंगी। पंजा कैसा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होगा ना, मतलब पांच होंगी लेकिन इधर बीच में ना स्किन प्रेजेंट होगी, तभी तो पंजा बनेगा। लिम्स हेल्प द एनिमल्स टू वॉक और क्रीप। लिम्स इन एनिमल्स को वॉक और क्रीप करने में हेल्प करते हैं। स्नेक्स आर लिम्बलेस, लेकिन स्नेक्स लिम्बलेस होते हैं ये आपको पता ही है। स्नेक्स क्रॉल ऑन देयर बेली। तो स्नेक्स है ना अपने पेट के बल, बेली पेट राइट, बेली के थ्रू वो लोग क्रॉल करते हैं। रेप्टाइल्स आर पोक्लियोथर्म। रेप्टाइल्स भी आपके पोक्लियोथर्म्स होते हैं। स्किन इनकी ड्राई होती है क्योंकि इसकी स्किन के अंदर म्यूकस की ग्लैंड्स नहीं होंगी। कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन ऑफ एपिडर्मल स्केल्स और स्कर्ट शील्ड्स और प्लेट्स। और इनकी जो स्किन है, जो पूरी बॉडी है, एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होगी। किसी किसी की बॉडी पर लेयर स्केल्स होंगे, जैसे कि स्नेक की पूरी बॉडी पर स्केल्स की कवरिंग होती है। टॉर्टोइस की बात करें तो टॉर्टोइस और टर्टल के ऊपर हार्ड शेल की कवरिंग होती है। यहीं पर आप टॉप इसकी बात करो क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल की स्किन पर भी का बहुत ही हार्ड एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हर किसी का अपना अलग अलग स्किन पे कवरिंग होगी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इनकी स्किन ड्राई रहती है क्योंकि इनकी स्किन के अंदर म्यूकस की ग्लैंड्स नहीं होती। लिजर्ड्स एंड स्नेक शेड देयर स्किन पीरियडिकली। इसमें से कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपनी स्किन को टाइम टू टाइम शेड रिलीज करते रहते हैं, जैसे कि लिजार्ड और स्नेक की बात करें तो। स्नेक आपने देखा भी होगा कि जहां कहीं से जाता है उसके पीछे व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर निकलती जाती है। वो क्या कर रहा है, अपनी स्किन को पीछे शेड ऑफ कर रहा है। टाइम पेनल प्रेजेंट, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ ईयर की वो लेयर प्रेजेंट होगी, पूरा ईयर नहीं होगा। हार्ट हैज टू कंप्लीट ऑरिकल्स बट वेंट्रिकल्स आर इनकम्प्लीटली पार्शियल। हार्ट इसमें क्या है, हार्ट में हमारे फोर चैम्बर होते हैं, जैसे कि दो ऑरिकल्स होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो इसके हार्ट में दो ऑरिकल्स तो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वेंट्रिकल्स के बीच में जो पार्टीशन होना चाहिए ना, वो इनकम्प्लीट होगा। सो हार्ट इज नॉट परफेक्टली फोर चैम्बर। तो कह सकते हैं कि इसका हार्ट क्या है, कंप्लीट फोर चैम्बर नहीं है, क्योंकि वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन एनिमल्स किस एक्सेप्शनल केस किसका है कि जिसमें कंप्लीट फोर हार्ट चैम्बर होता है, क्रोकोडाइल। ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, द ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड द सेरेबेलम आर वेल डेवलप्ड देन दोज ऑफ एम्फीबियंस। इनकी बॉडी में जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स ब्रेन का वो पार्ट होता है जहां पर हम कुछ भी सूंघते हैं तो सबसे पहले उसी पार्ट में जाता है, हमें पता चल जाता है हाँ ये इस चीज की खुशबू थी। और सेरेबेलम जो हमारे जितने भी वॉलेंट्री, जितनी भी थिंकिंग वाली वॉलेंट्री वाली चीजें होती हैं उसको कंट्रोल करता है। तो इनकी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरेबेलम वेल डेवलप होता है, तभी तो ये बहुत जल्दी ना अपने शिकार को सूंघ लेते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब वेल डेवलप है कंपैरिजन टू एम्फीबियंस। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। शो प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर। ओविपेरस होते हैं एंड शो पेरेंटल केयर। ठीक, ओविपेरस यानी कि बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, और पेरेंटल केयर यानी कि जैसे हम लोगों में ह्यूमन बींग्स में होता है ना कि बेबी की बहुत केयर की जाती है पेरेंट्स के थ्रू, तो इनको में भी ऐसे ही है, इनकी भी पेरेंटल केयर बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और एक चीज मुझे आपको थोड़ा सा बतानी है यहाँ पर। हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी आपको, शो प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिसिस। डाई सेक्सुअल डायमॉर्फिसिस का मतलब होता है कि जो मेल में
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो कहीं ना कहीं उनके साइज में डिफरेंस होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंपल सा कि जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम साइज नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट उनका क्या होता है, साइज होता है, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिसिस। यहाँ तक आपका रेप्टाइल वाला क्लियर खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है क्लास एविज वाला। मैंने बताया था ना, वहां लिखा नहीं है लेकिन हमें पढ़ना जरूर है। एविज का मतलब होता है बर्ड, पिजन, पैरट, टू फ्लाइटलेस बर्ड जैसे ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, क्रो, वल्चर एंड स्पैरो, सब बर्ड्स हैं, क्लास एविज में इंक्लूड होती है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू विंग्स फॉर फ्लाइंग, इनके में जो फोर लिम्स होते हैं वो इनके विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देखते हैं कि फोर लिम्स नहीं होते, हाथ नहीं होती, राइट? फोर लिम्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनके विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, इनको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। एंड हिंड लिम्स आर यूज्ड टू वॉकिंग, क्लास्पिंग ट्री ब्रांचेस एंड रनिंग। और जो हिंड लिम्स होते हैं वो वॉक करने के लिए, क्लास्पिंग करने के लिए और अलग अलग ट्रीज की ब्रांचेस को यूं पकड़ने के लिए, रनिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब्स बिटवीन देयर टोज, और जितनी भी एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं उनके टोज के बीच में वेब बना रहता है। ऐसे आपने देखा है ना, जैसे इसका ये पूरा टो है सपोज करो, तो इसके बीच में यह वेब बना रहता है ताकि वो स्विमिंग कर सके, पानी पर चल सके, राइट? बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है यानी कि बोट शेप की होती है ताकि जब वो उड़ते हैं तो जो एयर है उसका जो उसको काट सके, फ्रिक्शन सोक कर सके। दीज आर होम्योथर्म, देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। होम्योथर्म्स है, होम्योथर्म्स का मतलब है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है कॉन्स्टेंट रहता है। ये किसी भी मतलब उसमें चले जाएं, सीजन में किसी भी जगह पर बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फेदर, इनकी बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन है फेदर फेदर से बना होता है। एंड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन हिंड लिम्स, यानी कि आप लोगों ने इनके हिंड लिम्स पर स्केल्स देखे होंगे इस तरीके से, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी में हेड, नेक, ट्रंक, टेल इतने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इनकी स्किन बहुत थिन होती है, ड्राई होती है। ड्राई क्यों है? क्योंकि इसमें म्यूकस की ग्लैंड नहीं होती है, लेकिन इनके ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है टेल के बेस पर। इनके टेल पर एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है और इस ग्लैंड का नाम है यूरोपाइगल ग्लैंड, यूरोपाइगल ग्लैंड। बोन्स इनकी हॉलो होती है, ये तो आपको पता ही है, ताकि इनका वेट ज्यादा ना हो और वो हवा में अच्छे से उड़ सके। जॉज आर विदाउट टीथ एंड मॉडिफाइड इनटू बीक, जॉज तो होते हैं लेकिन टीथ नहीं होते क्योंकि वो बीक में मॉडिफाइड हो चुके होते हैं। क्रॉप एंड गिजार्ड आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड इनका रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और इनके भी रेड ब्लड सेल्स बाय कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लियेटेड होते हैं। हार्ट इज परफेक्टली फोर चैम्बर्ड, हार्ट इनका फोर चैम्बर्ड होता है, परफेक्टली पूरी तरीके से डिविजन है। दे शो डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का मतलब कि ब्लड इनके हार्ट को कितनी बार क्रॉस करेगा, दो बार क्रॉस करेगा, दैट मीन डबल सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय लंग्स एंड हैविंग एयर सेक्स टू इंक्रीज द बायोम्सी, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है और इनके लंग्स में एयर के लिए कुछ स्पेस रहता है ताकि जब वो उड़ती है तो वो एयर उनके उस स्पेस में फिल हो जाए ताकि उनको इजिली बायोट बायोस मतलब ऊपर की साइड उड़ने में हेल्प कर सके। क्लियर? ब्रेन इज एनलार्ज एंड हैज वेल डेवलप्ड सेरिबेलम फॉर इक्विलेरिया, ब्रेन एनलार्ज होता है यानी कि थोड़ा सा बड़ा होता है, वेल डेवलप्ड होता है स्पेशली सेरिबेलम, ताकि वो अपना बैलेंस बना सके, क्योंकि उन्हें हवा में उड़ना है और हवा में बैलेंस नहीं बनेगा तो गिर जाएंगे। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा यानी कि जो मेल और फीमेल के दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो दोनों डिफरेंट साइज के होंगे। ओविपेरस होते हैं यानी कि ये एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, एग्स देते हैं। और हाँ, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल होता है,
पेरेंटल केयर इज वेरी वेल डेवलप्ड, यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर बहुत करते हैं। सीजनल माइग्रेशन इन सीन सम बर्ड्स, और कुछ बर्ड्स होती हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेट करती हैं। गर्मी पसंद है तो गर्मी में चली जाएंगी, और ठंड आ गई तो कहीं और चली जाएंगी। इनका एक स्पेशल फीचर है कि इनके बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। एंड द फीमेल शो द प्रेजेंस ऑफ ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट। फीमेल वर्ड में सिर्फ लेफ्ट ओवरी होती है और लेफ्ट ओविडक्ट होता है, राइट ओवरी राइट ओविडक्ट नहीं होता, क्योंकि इनकी बॉडी का वेट जितना हल्का होगा उतना ज्यादा वो ऊपर इजीली उड़ सकती है इसीलिए। एंड लास्ट क्लास जो बची है हमारी, वो है क्लास मैमिलिया। मैमिलिया ये जो क्लास का नाम रखा गया है ना, ये बड़ा अच्छे से रखा गया है। मैमिल का होता है ब्रीस्ट, राइट, जैसे बैट, रैट, मंकी, कैमल, वेल, ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, फ्लाइंग फॉक्स एंड कुछ प्लेटिपस हैं जो कि ओविपेरस हैं, और विविपेरस में कैंगरू। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैमिलिया। मैमिलिया इंक्लूड द एनिमल्स हैविंग मैमरी ग्लैंड दैट मीन मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वंस, अपने बेबीज को फीड करने के लिए। ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मीट प्लस ग्रास यानी कि प्लांट्स दोनों पर डिपेंड रहते हैं। ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, कुछ एरियल भी होते हैं, कुछ एर्बोरियल भी होते हैं। लिम्स आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, जो हमारे लिम्स प्रेजेंट होते हैं हाथ और पैर वॉकिंग, फ्लाइंग, क्लाइंबिंग, ब्योरिंग, स्विमिंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड, हमारी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल वाले पार्ट में डिवाइडेड होती है। एंड दीज आर होमियोथर्म्स। होमियोथर्म्स मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। एक्सोस्केलेटन हमारे हेयर, फर, नेल्स, हूफ्स और हॉर्न्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किसी किसी के सेम भी होते हैं, भाई हमारे लिए तो क्या हो, किसी और के तो होंगे। स्किन इज ग्लैंडुलर, क्योंकि स्किन हमारी ग्लैंडुलर है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस यानी कि ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है मॉइस्चर के लिए। मैमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड इनटू स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारी मैमरी ग्लैंड्स है वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स में मॉडिफाइड हो जाती है। एक्सटर्नल ईयर होता है, जिसे हम पिन्ना बोलते हैं, दिखाई दे रहा है ना, एक्सटर्नल ईयर। हेट्रोडोंट डेंटिशन, हेट्रोडोंट डेंटिशन का मतलब है कि हमारे जो टीथ हैं सेम नहीं है, डिफरेंट है, राइट। बहुत सारे होते हैं, चार टाइप के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स वगैरह। तो हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब सारे सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। रेड ब्लड सेल्स बाइकॉन्वेक्स और इन्यूक्लियेटेड होते हैं, यानी कि हमारे में रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। ब्लड हमारे रेड कलर का होता है, हार्ट हमारे वेंट्रल यानी कि फ्रंट पोजीशन में सामने प्रेजेंट होता है, और फोर चैम्बर्ड होता है एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स। ये आप लोगों को बहुत इजी लग रहे होंगे, क्योंकि सबसे इजी यही है, क्योंकि हम अपने बारे में जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, इसलिए। ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड, सेरेब्रम शो द ट्रांसवर्स बैंड कॉल कॉर्पस कॉलोसम, जो हमारा सेरेब्रम है यानी कि जो हमारा ब्रेन है ना, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ध्यान रखिएगा, द लेफ्ट वन एंड द राइट वन। और इसको दोनों को जॉइंट करने के लिए एक नर्व्स का नेटवर्क प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कॉलोसम। फ्यू मैमल्स आर ओविपेरस, कुछ उसमें ओविपेरस होते हैं जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक प्लैटिपस। एंड सम हैव पाउचेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर यंग वंस, और किसी किसी एनिमल्स में तो उनके स्टमक पे पाउच होता है ताकि वो अपने बेबीज को डेवलप कर सके, जैसे कि कैंगरू। एंड द मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स आर प्लेसेंटल एंड विविपेरस, बाकी के जितने भी हमारे एम्फी मैमल्स में आते हैं वो सब प्लेसेंटल विविपेरस। विविपेरस मतलब बेबीज को प्रोड्यूस करने वाले, और बेबीज जब तक वोम में प्रेजेंट है फीमेल के, उनसे एक ट्यूब जॉइंट रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करती है कि मदर जो भी खा रही है, पी रही है, वो सारा न्यूट्रिशन बेबी तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए ज्यादातर मैमल्स हमारे प्लेसेंटल और विविपेरस होते हैं। ओके, नाउ योर चैप्टर इज एंड, फिनिश। आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है।
ये जो मैंने है, ये मैंने बहुत सारे एक साथ करा दिए, जितनी भी आपकी क्लासेस बची हुई थी वो इसीलिए मैंने करा दिए क्योंकि ये बहुत इजी है और आप बहुत जल्दी से समझ भी गए होंगे, राइट। और बाकी के टफ थे तो मैंने धीरे धीरे करके कराए, और यहाँ पर आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये चैप्टर आपका एनिमल किंगडम वाला फिनिश हो गया है। नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और जल्द ही जैसे मैंने आपके प्लांट किंगडम के मिड सेक्शन में जितने भी आपके क्वेश्चन थे सबके मैंने एक साथ क्वेश्चन कराए थे, समझाए थे आपको, सेम एज इट इज आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें जो आपके फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम के मिड सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको मैं एक साथ समझाऊंगी भी, और वो उसमें क्या आंसर है, किस तरीके से आपको लिखना है वो भी मैं आपको जल्दी बताऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।